ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज की अगली कड़ी में एक ड्रग है, एक्लाइफ है इंडिका। ये बेसिकली U4BAC फैमिली की ड्रग है जिसको प्रूव किया था डॉक्टर टोनारे ने। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या करेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है जहां हम एक्लाइफा इंडिका को यूज कर सकते हैं। तो एक्लाइफा इंडिका बेसिकली ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है ना। जनरली ये ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत की तरफ ये पौधा ज्यादा देखा गया है। एक्लाइफा इंडिका हैज वेरी गुड एक्शन ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन ऑफ हेमोरेज। ये हेमोरेज की सबसे टॉप रिमेडी है इन केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इन केसेस ऑफ कैंसर इन द लंग्स, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। विथ सीवियर पेन इन द चेस्ट अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, पेशेंट डे बाई डे दुबला होता चला जाता है ड्यू टू द पैथोलॉजिकल हेमोरेज एंड पैथोलॉजी। इसका एक कफ का सिम्टम्स होता है कि बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड कफ होगा। इसके बाद जो है तो इसको हिमोप्टाइसिस होगा, ड्राई एंड हार्ड कफ फॉलोड बाई हिमोप्टाइसिस। पेशेंट ऑल्सो हैव स्प्लैटरिंग डायरिया विद फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ फ्लैटस। एकदम नॉइसी डायरिया होगा, जब इसको लूज स्टूल्स होंगे तो बहुत ज्यादा साउंड आएगा विद फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ टी नॉइसेस, है ना। इसकी जो तकलीफें जनरली होती हैं इस पेशेंट की जो एक्लाइफा इंडिका है, मॉर्निंग में ज्यादा एग्रावेट होती है, मॉर्निंग एग्रावेशन होता है तकलीफों को। यदि क्लिनिकल इंडिकेशन इसके देखें तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर कैंसर ऑफ लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स, ब्लडी स्पेक्टोरेशन, हिमाप्टाइसिस, जाइंडिस, रेक्टल हेमोरेज, इस तरह की कंडीशन में हम एक्लाइफा इंडिका को यूज कर सकते हैं। यदि और सिम्टम्स देखें कि व्हाट आर द सिम्टम्स इन विच द, तो इसका एक जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है ये है कि ऑल हेमोरेज आर एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग, है ना। इसकी तकलीफें जो है हमेशा मॉर्निंग में बढ़ती है, मॉर्निंग एग्रावेशन रहता है। अच्छा, पेशेंट जो होता है मॉर्निंग में सबसे ज्यादा वीकनेस फील करेगा, वेरी वीक इन द मॉर्निंग, और जैसे जैसे डे आएगा तो विल गेन द कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे दिन होगा तो ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा होता है कि ये इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर हिमाप्टाइसिस एंड हेमोरेज। इसमें बेसिकली जो हेमोरेज होता है वो आर्टीरियल हेमोरेज होता है, जो ब्लड का कलर होगा ब्राइट रेड कलर का होता है ब्लड, है ना। आर्टीरियल हेमोरेज के लिए ये सबसे टॉप रिमेडी है। नाइट स्वेट विथ इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर इसका करेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है। एक सिम्टम्स है नाइट में स्वेट रहेगा, रात में इसको पसीना आएगा विथ इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, जो कि एक ट्यूबरकुलोसिस का कॉमन सिम्टम्स है। बेसिकली ये ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में हो जाता है, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड फेल हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में। एलोपैथी का ड्रग है रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड। जब रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट, तब ये एक्लाइफा इंडिका यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इट इज ए वेरी गुड रिमेडी फॉर रेक्टल हेमरेज, वो भी स्पेशली मॉर्निंग में ही एग्रावेट होता है विथ वीकनेस इन द मॉर्निंग एंड गेन कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द डे टाइम, ना दिन के समय में इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ फील होती है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड और वीक फील करता है। यदि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स देखें, एब्डोमिन में स्प्लटरिंग डायरिया, नॉइसी डायरिया विद फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ फ्लैटस, जो गैस पास होगी बहुत नॉइसी तरीके से पास होगी, नॉइस के साथ पास होगी, विथ बियरिंग डाउन पेन, ग्रेट टिनेसमस अलॉन्ग विद द रेक्टल हेमरेज। चेस्ट का सिम्टम्स होता है सीवियर पेन इन द चेस्ट, ड्राई एंड हार्ड कफ फॉलोड बाई हिमाप्टाइसिस विथ ब्राइट रेड ब्लड, है ना, स्पेशली आर्टीरियल हेमोरेज। अब यदि इसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक डिस्कस करें तो रूब्रिक में पार्टिकुलर चैप्टर्स में जाए यदि हम, एस्पेक्टोरेशन तो वो ब्लडी होगा इन ट्यूबरकुलोसिस, इन कैंसर। चेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स की ये टॉप दवाई है। चेस्ट में कैंसर लंग्स विथ हिमाप्टाइसिस, कफ चैप्टर में जाएंगे तो वहां देखेंगे कफ ड्राई इन नेचर एक्लाइफाइन। तो यदि इस तरह के इंडिकेशन, इस तरीके के सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो यू कैन यूज एक्लाइफा इंडिका विथ एक्सीलेंट रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।